दिल्ली से चलिए बिहार, 25 से 26 हज़ार रुपया का किराया लग जाएगा आपको फ्लाइट से। ट्रेन पे टिकट नहीं मिल रहा है। इस तरह से करके बिहार को लूटने का काम किया जाता है। एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के कैसे बनाने का काम किया जाता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बार बिहार के बनाने का काम किया जा रहा है क्योंकि बिहार पे सभी लोगों का नज़र है। लेकिन वो किस तरह से नज़र है और किस तरह से लूटने का काम किया जा रहा है, वो सारे कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर विदेश में भी जाने की अगर बात किया जाए तो 10-15 हज़ार के टिकट में लगभग घूम के आ जाएगा कोई टूरिंग करके। और अभी के डेट में बात करें तो बिहार से चले जाए कहीं घूमने के लिए, 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये के खर्चा में घूम के आ जाएगा। लेकिन अभी बात करें दिल्ली से चलिए बिहार, 25 से 26 हज़ार रुपया का किराया लग जाएगा आपको फ्लाइट से। ट्रेन पे टिकट नहीं मिल रहा है। इस तरह से करके बिहार को लूटने का काम किया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि बिहार पे सभी का नज़र है, बिहार विकसित होने वाला है। लेकिन बिहार के लोगों को बिहार में आने का इजाज़त ही नहीं देना चाहते हैं। असल में लोग पूछे तो छोटे लोग नहीं, बड़े लोगों का हाथ है। अभी टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन का, कोई फ्लाइट से आना चाहे, यहीं दिल्ली से चले जाए बिहार, 25 से 26 हज़ार का किराया लग जाएगा। यहीं तमिलनाडु मुंबई से चले जाए, 25 से 30 हज़ार रुपया का बीच में आपको टिकट मिलेगा फ्लाइट का। आप बताइए, लोग कितना बिहार के लोगों को विकास देखना चाह रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि बिहार पे सबका नज़र है, बिहार को विकसित करने में सबका नज़र है। अरे खांट बिहार के नज़र, बिहार के लोगों को विकास करने में नज़र होगा, कौन करेगा विकास? यहाँ पर देखिए कि बिहार के लोगों को बिहार में जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट का बात करें तो बैठने का भी जगह नहीं मिलता है ट्रेन में, ट्रेनें रद्द कर दिया जाता है। टिकट बढ़ा के दुगुनी कर दिया जाता है। फ्लाइट का बात करें तो फ्लाइट का टिकट का तो चरगुना रेट कर दिया जाता है। और बोलता है लोग कि बिहार के लोगों को विकास होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार का विकास हो रहा है। असल में पूछिए तो वहाँ के सभी चौपट ही लोग हो गया है। बड़े जो लोग हैं वो सिस्टम पर बैठ के सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। और इसी बीच में लोग घेरा हुआ है बिहार का अनभक्त लोग, जातिवाद को लेकर कि हम अपनी जाति को वोट देंगे, वो हमारा विकास कर रहा है, खाक करेगा, कौन करेगा? आप कभी लड़का ये नहीं कि एक ही जात का लड़का है, बाहर में करता है, बाहर में मजदूरी करता है, हर जात का लोग करता है। लेकिन यही छठ पूजा है, घर पे जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, फ्लाइट का टिकट चार गुना बढ़ा के कर दिया जाता है, क्या चीज़ हो जाएगा? कहीं से जाइए तो लूटने का काम होता है। तो इस तरह से करके बिहार के लोगों को लूटने का काम किया जाता है। और बिहार के लोग क्या कहेंगे, हमारे जात का नेता है ये, हम उसको वोट देंगे? तो इस तरह करके बिहार के अनभक्त लोग अपने अनभक्ति का घुंघराव में फंसे रहते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग जागिए, कब तक अनभक्ति में फंसे रहिएगा, घुंघराव में फंसे रहिएगा? सत्ता के सिंहासन पे बैठ के ब्रिटिश सरकार के जैसा राज कर रहा था महारानी विक्टोरिया का सरकार इस भारत पे, अब वो सब तो भला दूसरा देश से आके यहाँ पे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब उससे भी बदतर कर दिया है यहाँ का लोग, जो सत्ता के सिंहासन पे बैठ के गलत फायदा उठा रहा है लोग का। बिहार में कोई दूसरा लोग सीएम का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ने का काबिल है? बस यही दो मुस्कुराता चेहरा है, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, यही दो घर का लोग ज्यादा होशियार है, पढ़े लिखे लोग हैं।
इस राज्य को चलाने का जिम्मेवारी इसी दो लोग के बीच में है, इन्हीं दो आदमी के बीच ज्यादा अनुभव है इस राज्य को चलाने का, दूसरा लोग का नहीं है। 10 से 20 साल साथ राज किए हैं लालू यादव जी, 10-15 साल हो ही गया नीतीश कुमार जी को। ये दो लोग काबिल है इस बिहार में, काबिल बहुत लोग हैं मेरा दोस्त, लेकिन आप लोग जाति के देख के अगर वोट देंगे तो यही होगा। बाहर में तो मजदूरी करने के लिए चले जाएंगे कष्ट कष्ट सह के, लेकिन उधर से आने के लिए, घर आने के लिए तरसना पड़ जाएगा बाप। तो जाति ना धर्म देखिए, और उस धर्म का साथ साथ कर्म भी देखिए। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा होशियार है, कुछ समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।